हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो गाइस, रिसेंटली मैंने ना कुछ दिन पहले एक इंस्टाग्राम पे ना स्टोरी डाली थी। आप में से काफी लोगों ने देखी होगी, वैसे जिन्होंने नहीं देखी वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले आगे की स्टोरीज के लिए। चलो, तो काफी ज्यादा परसेंटेज में आप लोगों ने यस पे क्लिक किया था, तो इसलिए हाजिर है आज की वीडियो के साथ। तो गाइस, एडिटिंग के लिए ना सबसे पहले मैंने इस तरीके से फोटो को क्लिक किया था। मैंने अपने कैमरा को ना वो टाइमर पे लगा दिया था, आई थिंक 5 सेकंड का टाइमर था। तो ये स्टूल पर बैठ के इस तरीके से फोटो को क्लिक किया था। एक लेग को थोड़ा सा ऊपर हवा में रखा था एंड दूसरा पैर तो जमीन पर ही था। और यहाँ पर ना इस पर क्लिक करके मैं सेटिंग्स एंड यहाँ से मैक्सिमम इमेज साइज ना इसका 8 पिक्सल कर दूंगा, 8 मेगापिक्सल। तो वैसे आज के एडिटिंग के लिए हमारे पास सिर्फ 5 स्टेप्स, बहुत ही आसान 5 स्टेप्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्टेप से, जिसके अंदर हम अपने बैकग्राउंड को शेयर पे क्लिक करके पिक्सआर्ट के अंदर लेकर जाते हैं। बहुत ही आसान है, यहाँ हम ना चेक कर लेंगे। अब टूल्स पर जाकर यहाँ से रीसाइज, यहाँ पर कुछ भी नंबर बड़ा सा लिख देते हैं, 5555 रीसाइज। तो देखिए, इमेज करंट भी लार्जर देन 8 मेगापिक्सल, यानी कि 8 मेगापिक्सल का मैक्सिमम साइज है, तो ये मैक्सिमम पर ही है। एंड गाइस, यहाँ पर ये बैकग्राउंड के ऊपर आप देखेंगे जो, तो यहाँ पर मैंने हल्का सा शैडो बनाया हुआ है। तो आप कोशिश करेंगे आप भी इसी पोज में अगर फोटो खिंचवाएंगे तो ये शैडो आपको एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका बाई चांस पोज अलग है, कुछ आप अलग करना चाहते हैं ये बाइक के ऊपर, तो आप अपने हिसाब से शैडो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। तुम्हारा पहला स्टेप तो हो गया डन, अब चलते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम खुद की फोटो को ये बाइक के ऊपर लगाएंगे। तो हम ऐड फोटो पर जाएंगे, यहाँ साइड से हम जाएंगे फ्री क्रॉप में। एंड यहाँ पर ना ये गाइस, मेरे फोन में ये एस पेन होता है, एस पेन, इससे से ना सिलेक्शन बढ़िया हो जाएगी, मतलब इजीली, रादर देन फिंगर से करने से ये पेन से इजीली हो जाती है। तो इसका यूज करके मैं इसको फास्ट फोटो कर देता हूँ अभी। मैं अभी फैन बंद करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, गर्मी हो रही है, मैंने कहा ये पास तो फास्ट फॉरवर्ड करना है तो फैन ऑन कर लेते हैं। अरे गर्मी के टाइम में ना फैन बंद करके रिकॉर्डिंग करने का टफ जॉब, ए सी भी नहीं लगा यार कमरे में, दरवाजे बंद किया मैंने। तो ये हमारी सिलेक्शन यहाँ पर हो चुकी है। अब हम ऊपर से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से सेव, सिंपल। अब बस हमने खुद को बाइक की सीट के ऊपर बिठाना है, बहुत ही आसान तरीका। साइज बड़ा छोटा कर लीजिए अपने हिसाब से। यहाँ पर जो बाइक का शीशा ना वो मेरे पैर के पीछे जा रहा है, यानी कि पैर के आगे होना चाहिए। तो मैं यहाँ से ओपेसिटी को थोड़ी सी कम करूंगा इरेज पे क्लिक करके, एंड यहाँ से हार्डनेस को कितनी रखें, 60, हार्डनेस को 60 करके ना अब ये जो मिरर वाला पार्ट है यहाँ से इरेज कर देते हैं। डन। एंड यहाँ फिर से हम साइड से डन कर देंगे। हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, तो हमारे 3rd स्टेप की तरफ, जिसमें हम लाइट PNGs और शेडो ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम ऐड फोटो पर जाएंगे एंड यहाँ पर ना हमारे पास लाइट PNGs को हम ना 5-6 बार ही ले आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो गया क्योंकि पीछे से पूरा वाइट बैकग्राउंड है हमारी। तो वहाँ पर अगर लाइट इफेक्ट आएगा ना, जैसे शोल्डर के पास में या गर्दन के पास में, तो लाइट इफेक्ट अच्छा लगेगा। अब देखिए, ओह माय गॉश, मैंने कुछ और ही लिया है। क्रॉस पे क्लिक करो, ऐड फोटो पर जाएंगे, ये है लाइट PNG। तो लाइट PNG को ना पहले ऊपर एक तरफ यहाँ पर रख लेते हैं, ऊपर सारे इतने सारे आ गए 5। पहले तो यहाँ पर गर्दन के पास में लगा देते हैं, और पैसे थोड़ी सी कम कर देते हैं, ये दूसरे वाला, इसको हम बड़ा छोटा घुमा फिर आगे, मतलब जैसे अच्छा लगे वैसे लगाएंगे। तो मुझे यहाँ पर लगता है एक और लाइट PNG को लेकर आते हैं, 6 लाने चाहिए थे। तो यहाँ से हम प्लस पे क्लिक करके ऐड फोटो, एक और लाइट PNG को ले आते हैं। यार मुझे लगता है 2-3 और ले आते हैं, 2 और ले लेते हैं। चलो ऐड फोटो, चलो जी बहुत लाइट PNG लगा लिए, अब डन कर देते हैं। एंड यहाँ पर नीचे गए सब शैडो बनाते हैं, हम बनाने गया मतलब बनी पड़ी है, हमने बैकग्राउंड जो रिमूव की थी ना अपनी फोटो की, तो स्टिकर में यहाँ पर सेव हो जाती है। तो स्टिकर पर जाएंगे, कैसे, माय स्टिकर्स, कटआउट्स, एंड यहाँ पर ये पहले नंबर पर ही पड़ी हुई है। इसकी सबसे पहले ओपेसिटी हम कम कर देते हैं, इसको उठाकर नीचे की तरफ रख देते हैं। अब यहाँ से ना एडजस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्राइटनेस कम, कंट्रास्ट ज़्यादा, इसके बाद हाइलाइट्स बिल्कुल कम,
शेडोज बिल्कुल कम, बस डन। अब यहाँ से ना इरेजर पर जाएंगे, हार्डनेस को ना बिल्कुल कम, साइज को बढ़ा देंगे एंड ओपेसिटी को 25। अब साइड साइड से ना इसको रिमूव कर देंगे हम शेडो को, यानी कि जो भी पार्ट हमारे ऊपर या बाइक के ऊपर आ रहा है ना शेडो का, वो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। सिंपल। एंड यहाँ से कर देंगे डन। तो गाइस हमारे 3 स्टेप्स डन हो गए। अब हम इस फोटो को ना सेव कर देते हैं पहले ड्रॉ पर जाकर, एंड यहाँ से 3 डॉट्स पर क्लिक करके सेव। हमारा 4th स्टेप, इस फोटो को हम शेयर पे क्लिक करते हैं, लाइट रूम के अंदर ऐड करते हैं। हम यहाँ से ओपन कर देते हैं, बहुत ही आसान चीज हो यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर लाइट बनी हुई, लाइट के अंदर जाएंगे एंड यहाँ से एक्सपोजर को ना थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा। इसके बाद कंट्रास्ट, कंट्रास्ट थोड़ा सा कम, -5 कर देते हैं। हाइलाइट्स थोड़ी सी बढ़ा देते हैं हम। इसके बाद शैडोज हम हाफ बढ़ा देंगे, मतलब 100 तक जाती है तो हम 50 कर देता हूँ इसको मैं। नेक्स्ट है वाइट्स पे थोड़े से हम बढ़ाएंगे, ब्लैक्स को हम थोड़ा सा कम करेंगे, -45 कर देते हैं, -45। तो लाइट अच्छी हो रही है पहले से, पहले देखो लाइट कितनी डार्क थी वाली, अब लाइट अच्छी होगी। अब कलर टैब में जाएंगे ये वाला। नेक्स्ट टेम्परेचर हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ी सी वार्म टोन में लेकर आने के लिए, 2 बस। नेक्स्ट वाइब्रेंस हम थोड़ी सी मतलब 16-17 गुड है जी। अब मिक्स पर जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ 3 कलर से हम पंगा लेना है, क्योंकि मैं 3 कलर से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक तो मेरे कपड़े येलो कलर के हैं तो येलो कलर से, दूसरा ऑरेंज क्योंकि स्किन होती है, और रेड भी स्किन में भी होता है, और मेरी टर्बन भी रेड कलर की है, तो ये 3 कलर्स का मैं यूज़ करूँगा। अब अपनी फोटो के हिसाब से वो कलर्स को चूज़ कर लीजिए। सबसे पहले रेड कलर, इसका जो ह्यू है ना वो मैं कम करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मेरी टर्बन रेड कलर की आ रही है थोड़ी सी पिंक टोन में, तो सैचुरेशन में इसकी थोड़ी कम कर दूंगा, -24 ठीक है। लूमिनस में थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, 20 ठीक है जी। नेक्स्ट है ऑरेंज कलर की हमारी स्किन टोन भी होती है, मेरे कपड़े भी थोड़े से येलोइश ऑरेंज टोन में है, तो सबसे पहले जो ऑरेंज का ह्यू है थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा ताकि थोड़ी सी येलो टोन आ जाए कपड़ों में, 33। सैचुरेशन में थोड़ी सी कम करूंगा, -24। लुमिनस 2 हल्की सी। नेक्स्ट येलो कलर, ह्यू इसका हम चेंज नहीं करते, सैचुरेशन में इसकी थोड़ी बढ़ा देता हूँ, अराउंड 56-57 ठीक है। और लुमिनस थोड़ी सी 6-7 ठीक है जी, डन कर देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में जाऊँगा ये क्लैर इफेक्ट्स वाले टैब में, इसके अंदर जो क्लैरिटी है क्लैरिटी मैं कम करूँगा, अगर हम बढ़ाते होते हैं तो थोड़ी सी कम करेंगे क्लैरिटी, क्योंकि तो थोड़ी सी सॉफ्ट सी टोन आ जाए, ज़्यादा भी नहीं कम करनी, -13 या -14। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास ये डिटेल वाला टैब ट्रायंगल शेप, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ से शार्पनिंग पहले मैं बढ़ा दूंगा 63, इससे थोड़ी सी शार्पन हो जाएगी फोटो हमारी। नेक्स्ट नॉइज रिडक्शन थोड़ी सी बढ़ा देंगे इसको भी हम 30-31। तो गाइस यहाँ पर हमारे 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब 5वां स्टेप, वो उनके लिए जिनके पास लाइटरूम का फुल वर्जन है, जिसके पास सारे फीचर्स हैं, तो उसके लिए फुल वर्जन। अगर आपके पास नहीं है फुल वर्जन तो आप यहाँ पर भी अपनी फोटो को छोड़ सकते हैं, आप यहाँ पर वीनियट का यूज करके साइड से डार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फुल वर्जन है लाइटरूम का तो यहाँ पर हम जाएंगे ऊपर सिलेक्टिव टूल में, इसके अंदर ये प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ये ग्रेडियंट वाला एंड नीचे से ग्रेडियंट का यूज करेंगे पहले इस तरीके से। अब लाइट पर जाएंगे, यहाँ से एक्सपोजर को करेंगे कम, कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा कम, डन। अब फिर से हम सिलेक्टिव टूल का यूज करेंगे, प्लस पे क्लिक किया ग्रेडियंट, इस पर हम राइट साइड से इस बार फिर से हम लाइट पर जाएंगे, यहां से एक्सपोजर कम, कंट्रास्ट भी थोड़ा सा कम, डन। तो देखिए हमारी फोटो पहले कैसी थी, बहुत ही बढ़िया। एंड यहां पर सिलेक्टिव टूल में जाकर ना फिर से मैं ब्रश का थोड़ा सा यूज करूंगा, फोटो को जूम कर लेते हैं पहले, यानी अपन फेस पर थोड़ी सी लाइट ज्यादा है तो ब्रश को सिलेक्ट करके या फेस के ऊपर इसका यूज करूंगा थोड़ा सा, एंड इस बार इसके ना जो हाइलाइट्स हैं ना एक्सपोजर थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे, व्हाइट्स भी थोड़ा कम कर देते हैं एंड ब्लैक्स भी। डन। एंड आप चाहो तो इसके ऊपर आप विनेट का यूज भी कर सकते हैं यहां से। तो वैसे हमारी फोटो बिल्कुल रेडी है, इसको हम 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहां से कर देंगे सेव टू डिवाइस,
गाइस हमारी फोटो हो रही है सेव एंड गाइस आपको आज की ये वीडियो ये फोटो एडिटिंग कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताएं एंड अगर वीडियो में से कुछ अच्छा नया देखने को सीखने को मिला इस वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में।